हम लोग पाचन को तीन भागों में बांटे थे, मुखीय पाचन, अमाशय में पाचन और फिर छोटी आंत में पाचन। ये छोटी आंत का पोषण है। बच्चों अमाशय में हम लोग पाचन देख चुके हैं, अमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा जो जठर रस निकला वह भोजन पर अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसमें पाए जाने वाले प्रोटीनेजेस एंजाइम के माध्यम से प्रोटीन का आंशिक पाचन किया और भोजन का जो भौतिक स्वरूप था वो गाढ़ा तरल पदार्थ के रूप में रूपांतरित हो गया। ये पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। अब यह काइम जो भोज्य पदार्थ का गाढ़ा तरल पदार्थ स्वरूप है, भौतिक रूप है, वह काइम के रूप में आगे के पाचन के लिए आगे बढ़ता है। काइम के पाचन की अंतिम प्रक्रिया छोटी आंत में होगी, लेकिन इससे पहले दो ग्रंथियों, पाचन तंत्र में पाए जाने वाले दो ग्रंथियों जिसमें यकृत, जिसको लीवर भी कहते हैं हम लोग, इस में पाए जाने वाले पित्त थैली और उसी से जुड़ी हुई अग्नाशय, ये दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे पाचन में। इन दोनों के उत्पाद अर्थात इनसे जो सेक्रीशन होता है वह भोजन पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं आगे के पाचन के लिए और तब अंतिम पाचन के लिए भोज्य पदार्थ जो है काइम्स के रूप में जो था वह पित्तरस और अग्नाशयिक रस से प्रतिक्रिया करते हुए फाइनल पाचन के लिए छोटी आंत में जाती है। हम लोग दोनों के प्रभाव को देखें। अभी हम लोगों ने देखा था कि अमाशय में जो भोज्य पदार्थ जाते हैं वहां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सेक्रीशन होता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए गए थे जिससे भोजन का माध्यम जो है, भोजन का स्वरूप जो है प्रकृति, वह एसिडिक हो जाती है, जो वहां जरूरी था सरने से बचाने के लिए। लेकिन आगे के पाचन के लिए हमारा जो भोज्य पदार्थ का कायम रूप है, भोज्य पदार्थ का जो बदला हुआ स्वरूप है, उसको क्षारीय होना चाहिए और उसके इस रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन पित्त थैली द्वारा उत्पादित पित्त द्वारा होता है। यह भोजन को क्षारीय बना देती है क्योंकि आगे का पाचन क्षारीय माहौल में ही होगा। अम्लीय प्रभाव वाले प्रकृति आगे के पाचन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए पित्त रस जो पित्त थैली का उत्पाद है के माध्यम से यह क्षारीय हो जाता है। इसके बाद भोजन पर अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस का प्रभाव होता है। इस अग्नाशयिक रस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उसके प्रभाव होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखें। और उसी समय इसी अग्नाशयिक रस द्वारा बसा का इमल्सीकरण होता है, उसका पायसीकरण होता है, बसा छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं। बता रहे थे कि अमाशय के बाद के पाचन जो छोटी आंत में होते हैं उससे पहले पाचन तंत्र की दो प्रमुख ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय अपनी भूमिका किस प्रकार निभाते हैं गंभीरता से देखें। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, पित्त रस का उत्पादन होता है। यह पित्त रस पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर में संग्रहित होते हैं और इसका प्रभाव हमारे भोजन पर दो व्यापक सहयोग के रूप में होता है। पहला, भोजन का जो अम्लीय माध्यम अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण हुआ था, उस अम्लीय स्वरूप को बदलकर क्षारीय बना देती है ताकि आगे का पाचन सुगमता पूर्वक हो सके।
अम्लीय माध्यम में आगे का पाचन नहीं हो पाएगा। इसलिए पित्त की सबसे बड़ी भूमिका है कि भोजन के अम्लीय स्वरूप को क्षारीय बना देती है। दूसरा, यहां वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, जिसके कारण वसा आगे और सरलतम रूपों में टूटता है। हमारा उद्देश्य भोज्य पदार्थों का अपेक्षाकृत ऐसे सरलतम रूपों में रूपांतरण है जो हमारी कोशिकाओं या उत्तकों द्वारा एब्जॉर्ब की जा सके। इसी क्रम में वसा का एक विखंडन या पायसीकरण यहां होता है। इसके पश्चात अग्नाशय, इससे अग्नाशयिक रस का उत्पादन होता है। इस अग्नाशयिक रस में ये मुख्यतः तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज, जो स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करके माल्टोज का उत्पादन करती है। लाइपेज, जो यहां हमारे पायसीकरण के फलस्वरूप वसा का जो स्वरूप हुआ था, एमाइलेज स्टार्च से प्रतिक्रिया करके उसे माल्टोज में रूपांतरित करती है। लाइपेज, जो वसा के विखंडन से वसा का जो अपेक्षाकृत सरल रूप हमें प्राप्त हुआ है, इमल्सीकृत वसा, उसके साथ प्रतिक्रिया करके उसे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में रूपांतरित करती है। जबकि न्यूक्लियस, न्यूक्लिक अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके उसे न्यूक्लियोटाइड्स में रूपांतरित कर देते हैं। यह अमाशय के बाद और छोटी आंत के पहले के पाचन के बीच की अवस्था है। अब हम लोग इसके बाद छोटी आंत की बात करेंगे। छोटी आंत हमारे भोजन पाचन के संदर्भ में जो पाचन तंत्र है उसकी अंतिम कड़ी है। हमारे छोटी आंत में ही भोजन का अंतिम पाचन अर्थात भोजन के सभी तत्वों का अपेक्षित सरल रूप में रूपांतरण अंततः छोटी आंत में होता है। ये आंशिक रूपांतरण के पश्चात सारे के सारे भोज्य पदार्थ छोटी आंत में चले जाते हैं और छोटी आंत में भोजन का अंतिम चरण शुरू होता है। हम लोग यकृत और अग्नाशय द्वारा जो उत्पादित स्राव हैं उसके प्रभाव को देखें। अब हमारा भोजन अंतिम पाचन के लिए छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत के ग्रंथियों से आंत्ररस का स्राव होता है और इस आंत्ररस में विभिन्न पोषक तत्वों और उनके रूपांतरित स्वरूपों को अंतिम रूप से सरलतम रूप में रूपांतरित करने के लिए बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें पेप्टाइडेज, जो पेप्टोन से प्रतिक्रिया करके, पेप्टोन प्रोटीन का रूपांतरित रूप है, पेप्टोन से प्रतिक्रिया करके उसे एमिनो अम्ल में रूपांतरित कर देती है। लाइपेज, जो बचे हुए इमल्सीकृत वसा है उनसे प्रतिक्रिया करके वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में रूपांतरित करती है। इन्वर्टेज, जो मुख्य रूप से चीनी में पाए जाने वाले सुक्रोज से प्रतिक्रिया करके उसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में रूपांतरित करती है। माल्टेज, माल्टोज से प्रतिक्रिया कर उसे ग्लूकोज में रूपांतरित करती है। लैक्टेज, लैक्टोज से प्रतिक्रिया कर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनाती है। जबकि न्यूक्लिएज और न्यूक्लिक एसिड की आपसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार ये एंजाइम इन अपेक्षाकृत सरलतम पोषक तत्वों को अंतिम रूप से, ये पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व हैं जिनका हमारे शरीर की कोशिकाओं या उत्तकों द्वारा आसानी से एब्जॉर्प्शन हो पाता है। इस प्रकार भोजन का अंतिम पाचन
इन एंजाइमों की मदद से छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। हम लोग प्राणी संपोषण में 5 स्टेप देखे थे। पहला अंतर्ग्रहण, जिसमें भोजन ग्रहण किए थे हम लोग। दूसरा स्टेप था पाचन, जिसको 3 खंडों में बांटकर मुखीय पाचन, आमाशयिक पाचन और छोटी आंत में पाचन के रूप में हम लोगों ने देखा। अब इसके 3 स्टेप, प्राणी संपोषण के 3 स्टेप, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण की क्रिया कैसे संपन्न होती है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। छोटी आंत में अंतिम रूप से पाचन संपन्न हो जाने के पश्चात, अर्थात हम जो जटिल रूप में भोज्य पदार्थ ग्रहण किए थे, उसका क्रमिक रूप से सरलतम रूप में रूपांतरण होते हुए, छोटी आंत में जब सरलतम रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, अर्थात जब पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है, तो छोटी आंत के भीतरी दीवार पर शोषणांकुर या विदाई के रूप में अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये विलाई है, ये विलाई है शोषणांकुर। इसके माध्यम से वे पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं अवशोषण के अंतर्गत। और इस विलाई में आप देखेंगे कि ये रक्त केशिकाएं हैं जो रक्त परिसंचरण से जुड़ी हुई है। अर्थात जो पोषक तत्व शोषणांकुर द्वारा अवशोषित होती हैं, वे रक्त के माध्यम से रक्त परिसंचरण को प्राप्त हो जाती है और यह रक्त परिसंचरण इन पोषक तत्वों को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देती है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक अवशोषण के पश्चात रक्त केशिका द्वारा विलाई में जो अवशोषण होता है, वह रक्त परिसंचरण के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दी जाती है। कोशिका तक जब पोषक पदार्थ पहुंच जाते हैं, तब वहां इसका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण में क्या होता है कि कोशिका में जब पोषक तत्व पहुंच गए, तो उसकी बड़ी मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के अंतर्गत विखंडित होकर ऊर्जा की आपूर्ति करती है, ऊर्जा का उत्पादन करती है और पोषक तत्व की कुछ मात्रा नए जीव द्रव्य का, नए कोशिका द्रव्य का या नए जीव द्रव्य का संश्लेषण करती है। इस प्रकार हमारे पोषक तत्वों की 2 सदगति होती है। उसकी बड़ी मात्रा से हमें ऊर्जा की आपूर्ति होती है और उसकी कुछ मात्रा से नए जीव द्रव्य का या कोशिका द्रव्य का संश्लेषण होता है। इस दोनों को मिलाकर ऊर्जा का उत्पादन और नए जीव द्रव्य का संश्लेषण, ये दोनों घटनाओं को संयुक्त रूप से हम स्वांगीकरण कहते हैं, जो प्राणी संपोषण की 4थी प्रक्रिया है, 4था चरण है। पहला चरण पाचन, पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण और 4था स्वांगीकरण। इस प्रकार पचित पोष पदार्थ, पचित पोषक पदार्थ तो अपने अंतिम परिणाम को प्राप्त हो गए, वे छोटी आंत के विलाई द्वारा अवशोषित होकर पहुंच गए कहां, सभी कोशिकाओं में, जहां उसके स्वांगीकरण से हमारी ऊर्जा की प्राप्ति हुई, ऊर्जा का उत्पादन हुआ और नए जीव द्रव्य का संश्लेषण हुआ। बचे हुए जो पदार्थ हैं, वे हमारे पाचन तंत्र के अंतिम अंग अर्थात बड़ी आंत में पहुंचते हैं और उस बड़ी आंत में पहुंचने वाले पदार्थ में बड़ी मात्रा में अपचित पदार्थ प्लस जल, ये 2 पदार्थ होते हैं उसमें। इस दोनों के संयुक्त रूप जब बड़ी आंत में पहुंचते हैं छोटी आंत के बाद, तो वहां बड़ी आंत में जल का ऑलमोस्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है।
जल का जो मात्रा उसमें है उसे बड़ी आंत द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और ये बहिष्करण का फेज है। और अब इस अपचित पदार्थ और जल दो रूप थे इसमें, इसमें से जल का अवशोषण हो जाता है बड़ी आंत में और शेष बचे अपचित पदार्थ मल द्वार द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है और इस प्रकार प्राणी संपोषण का पांचवा प्रक्रिया पांचवा चरण बहिष्करण संपन्न हो जाता है। और इस प्रकार हम मनुष्य सहित जितने भी विकसित जंतु हैं जिनमें आहार पाचन के लिए भोजन के पाचन के लिए भोजन को अपने सदुपयोग में इस्तेमाल करने के लिए जो पोषण की प्रक्रिया है उसके प्राणी संपोषण की अंतिम प्रक्रिया के रूप में पोषण की प्रक्रिया होती है। और इस प्रकार मनुष्य में और अन्य विकसित जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इस प्रकार यह चैप्टर फाइनल हुआ। यहां आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा, परीक्षा में बार बार पाचन तंत्र के नामांकित चित्र के प्रश्न आते हैं, आप उनका अभ्यास करेंगे। पाचन तंत्र के नामांकित चित्र में वर्णन की जरूरत नहीं होती है, उसे केवल प्रमुख अंगों को दिखाते हुए एक आरेख खींचना होता है। और इस प्रकार आपका पहला चैप्टर पोषण संपन्न हुआ। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।